अधिकारी ये ना मान ले अंतिम से कोई आ गए जगह नहीं है, अंतिम के बाद घर है। देखा ना विजिलेंस के ठाट घर बैठे ना, बड़े बड़े बैठे। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मेवात मूलचंद शर्मा। बता दें परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नौह विधानसभा के 5 गांवों का जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दौरा कर सुनवाई की है। नौह विधानसभा के तेवला नगली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी पूरे गुस्से में दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा है कि यह मत समझना कि यह तबादले के तौर पर आखिरी जिला है, काम की रफ्तार के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कौन है? आपका नाम क्या है? गुरजीत सिंह जी, पंचायत अफसर है इसके पास। गुरजीत जी, आप हरियाणा का अंतिम किनारा मत मान लेना इसको, ये मेवात का इलाका है, राजस्थान को जोड़ता है और राजस्थान से यूपी को भी जोड़ता है। अधिकारी ये ना मान ले अंतिम से कोई आ गए जगह नहीं है, अंतिम के बाद घर है। देखा ना विजिलेंस के ठाट घर बैठे ना, बड़े बड़े बैठे। आप ये मत मानिए मैं मेवात से आगे कोई ट्रांसफर करा नहीं सकते। आप इनके काम कराइए, मुझे लिखना पड़ेगी। भले आदमी लोगों को समस्या जूझ रहे हैं, फिर कहते मेवात में तो काम होता ही नहीं है। आप इसकी करा के काम कराइए जितने, ठीक है। और मुझे इसकी कितने दिन रिपोर्ट दोगे? इस दिन साहब एसडीओ साहब ने भी मौका देखा सर, भारतीय एसडीओ साहब ने। एसडीओ कौन है? आप पंचायत राज हैं? क्या पोजीशन है बताइए। मैंने जो सर एक काम का मौका देखा है जी, वकील और कितने काम आईडी में से कराएं, तो ये डाउट है कि ज्यादा सिर्फ एक रास्ते देखा। मुझे नहीं पता, काम पूरा होना चाहिए। काम उसके काम जितना हो, जो पैरामीटर हो, जितना एरिया हो काम करो, और पेमेंट तो देनी पड़ेगी ठेकेदार की। भाई नहीं सर उतने ही देंगे, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज में, मेरी उसमें जो हुआ देख रेख में सर, मैंने खुद देख के नहीं, जितना काम हुआ उतनी ही पेमेंट कराई है। बाकी ये 15 फुट का जो रास्ता भी मेरे संज्ञान में नहीं आया सर। ठीक करते हुए बात कर लगा दी। मार्केटिंग बोर्ड का एक्शन है, मार्केटिंग बोर्ड एक्शन है एसडीओ। सड़क है कोई देना भाई एक्शन सर। स्टाफ है भाई जी, एक तो देवला से मार्केटिंग बोर्ड से, एक देवला से दो सड़क है इस गांव से। सुन रहे हो सारे काम, दो सड़क बनाएंगे मार्केटिंग बोर्ड, दो सड़कें हैं, बाकी पीडब्ल्यूडी की है, बाकी पंचायत की है। और अभी जल्दी आपके आपके गांव में जो ग्राम पंचायत देवलीना फिरनी है, ये कितने का है? आपके 2 करोड़ की लागत से आपके गांव की फिरनी पूरी पक्की हो जाएगी, जल्दी अमर जाकर जी से मिल जाएगी। नहीं, आज मेरा नूह का पहला गांव है, पहला आज 5 गांव मेरे कार्यक्रम है। लोगों की बिजली की है, पीने के पानी की है, सड़क की है, बस की भी है, और हम चाहते हैं सड़क बनने के बाद जितनी बस हमारे पास, इतनी 70 बस है कि हम हरियाणा के किसी गांव, किस शहर को बस ऐसा नहीं रहेगी जिस कोने में बस ना जाती। और जहां जहां सड़कें ठीक हो जाएंगी वहां बसों को हम चला रहे हैं, जिस बस और इस तरह की समस्या, छोटी छोटी समस्या। और मेवात अब क्षेत्र ऐसा नहीं रहा, मुझे मेवात क्षेत्र में आने में मात्र मुझे यहाँ उतरने में मुझे 40 मिनट लगे, और मैंने खूब प्रयास करा कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं लेट चला और पहले आ गया। तो मेवात का जिला आने वाले समय में ये पंचकुला से कम रहने वाला नहीं है कि आज तरह की हाईवे जुड़ना, जयपुर हाईवे निकलना, लोगों के पानी की, जिस तरह के अपने जाकिर जी लगे हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी अपनी मेवात की बात रखते हैं, पहला मौका जाकिर जी को मिला है अपने अपने क्षेत्र का, हरियाणा मेवात का। इस तरह के साथी जब होंगे तो अपनी बात प्रदेश में, केंद्र में अपनी बात रखेंगे और विकास की बात रखेंगे, और जल्द जल्दी पानी जो रेनवेल के उसको भी जल्दी आने काम करेंगे। नहीं, मेरा ये कि जो 2.25 करोड़ की जो 2.25 करोड़ की जो फिरनी का काम है, उनका पैसा लीज हो गया है,
जो भी एफसीआर से वो रिलीज हो गया, जल्दी से काम में जितने बचे हुए काम है इनको जल्दी से हम करेंगे, जल्द से गति के साथ बचे हुए कामों को मुख्यमंत्री जी पोर्टल पर डाल के जल्दी से तेजी साथ करेंगे। अरे जाकिर ने कहा जी कैंसर की तरह पानी आता है, काला पानी नहरों में आता है, उसकी लक्षण क्या करें? जो जाकिर ने कहा वही फरीदाबाद, वही पलवल, वही मेवात, ये विधानसभा हमने उठाया। मैं कमेटी का चेयरमैन था उस समय, आज भी हूँ, कि हम चाहते हैं कि या तो हमें गंगा का पानी लाया जाए या हमें यमुना के लिए तीन जिलों के लिए पानी लाया जाए। जो बार बार पानी की लड़ाई जो बात बात करते हैं, पंजाब हमें पानी दे, और पंजाब हमारे दक्षिण हरियाणा की जो पानी की जो हालत है, चाहे दक्षिण के इलाके हो, चाहे रेवाड़ी हो, नारनौल हो, मेहंदर हो, मेवात हो या भियाणी हो, हम यही कहते हैं पानी दो, सीवर मत दो। हम चाहते हैं कि पीने का पानी हमको सच मिले, और मुख्यमंत्री से इस तरह की हम लगे हुए हैं दक्षिण हरियाणा में पानी यमुना का, हमारे जो केजीपी के एमपी के साथ हम पानी लाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से पानी है, या हमको पानी मिले तो अपने गंग नहर से हमें पानी मिले कि हमें पानी सच्चे जिससे कैंसर की बात कर सकते। मंत्री जी का आखिरी सवाल, आजकल बड़े रूखे हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश है या जेजेपी से नाता टूटेगा? बीजेपी में समझने की जरूरत है, मनाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी देश के हित में व्यक्ति का हो, ये पारिवारिक नहीं है, ये आम लोगों की पार्टी है। चौधरी बिरंजन खुद समझदार हैं, पुराने राजनीतिक हैं और मेरे पुराने संबंध भी हैं, वो समझदार हैं, उनको मना न कहे, खुद ज्ञानी आदमी, ज्ञानी ब्राह्मण है।